गाइस दिस इज यार यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल फ्रेंड्स। मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेके एक और फ्री जॉब्स। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे को भी दबा लें ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स आज की ये जॉब होने वाली है अगेन आप लोगों के लिए हेल्पर कैटेगरी में होने वाली है, लेकिन हेल्पर कैटेगरी में किचन स्टाफ में जॉब, लेकिन 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 ये जॉब कुछ अलग हटके है। इसमें टाइमिंग भी कुछ अलग हटके है और फैसिलिटी भी कुछ अलग हटके है। तो उम्मीद करूंगा आप ये वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो से एक चीज हर बार मुझे एक ही याद आती है कि आप जो लोग जो है ना कभी भी जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। काफी सारे कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ सैलरी देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां में क्या फैसिलिटी वो देखते हैं और फोन उठाते हैं, फोन कर देते हैं, सर हमने आपका वो वीडियो देखा उसमें इतनी सैलरी बता रही थी काम क्या है। तो जब आप सैलरी देख ही लेते हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को अगर काम चाहिए, आप लोगों को अगर नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो जो अगले वाला वीडियो बना रहा है उसको एटलीस्ट पूरा देखे ताकि आपका कुछ टाइम सेव हो सके, आपका टाइम बच सके। हुआ ये लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर के रिलेटेड में। उस पे कैंडिडेट्स जो है सिक्योरिटी गार्ड समझ के फोन कर रहे हैं, सर 20,000 सैलरी वाली मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब चाहिए जो 8 घंटे होती रहती है। सर 22,000 वाली सिक्योरिटी की जॉब चाहिए आपने जो वीडियो डाला था। तो मैं हर वीडियो में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी जो है आप सैलरी देख के फोन नहीं करें। आप पहले पूरे वीडियो को देखें, अच्छे से समझें वहां की पोस्ट क्या है, वहां पे काम क्या है और वहां का सैलरी क्या है, उसके बाद ही फोन करें। दूसरी बात यह कि आप अगर फ्री होते हैं रात में 9, 10, 11 बजे वीडियो देखते हैं बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों को काम चाहिए, लेकिन आप तुरंत ही उस समय फोन उठाते हैं, फोन लगा लेते हैं, पीछे आप टाइमिंग नहीं देख पाते कि रात के 11 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, इवन तक रात के 2-2 बजे भी लड़के लोग फोन कर देते हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। दूसरा कि आप कभी भी फोन करें तो शाम के 5 बजे तक लास्ट और सुबह से 10 बजे के बाद में कभी भी फोन करें, सैटरडे संडे फोन नहीं करें। हाँ अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, काम के लिए बैठ गए, तो उन लोगों के लिए तो हम लोग 24 आवर्स रेडी रहते हैं रिस्पॉन्स देने के लिए, लेकिन अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं काम के रिलेटेड में, जॉब के रिलेटेड में, तो रिक्वेस्ट आपसे अगेन कि आप सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक फोन करें। चैट आप चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमके थ्रू या इंस्टाग्राम में हमारे थ्रू जो है रात के 10 बजे भी आप हम लोगों से चैटिंग कर सकते हैं, जॉब के रिलेटेड में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ चैटिंग पे ना कि कॉल पे, क्योंकि आप जब फोन करते हैं वो फोन ऑफिस में रहता है, शाम के 6 बजे के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और मैं ये नहीं चाहता कि अगर जब आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो आपके माइंड में कुछ गलत थिंकिंग आए, कैसा कंपनी है फोन ही नहीं उठाती है, तो वो सब बातें नहीं करें कमेंट्स बॉक्स में। तो इसलिए मैं अगेन एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले तो वीडियो को पूरा देखें उसके बाद ही कॉल करें, और कॉल करें तो 10 बजे से लगाकर 5 बजे तक ही कॉल करें। तो फ्रेंड्स वो एक अलग चीज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग आज की जॉब की। तो ये जो जॉब होने वाली है ये होने वाली है आपको अगेन एक और हेल्पर कैटेगरी में किचन स्टाफ में, लेकिन 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 ये जो जॉब होने वाली है वो कुछ अलग और हटके होने वाली है सारी पिछली जितनी भी जॉब्स थी उससे। ये जो जॉब होने वाली है केटरिंग में होने वाली, केटरिंग में जॉब। वैसे केटरिंग जो लोग नहीं समझते, जो फ्रेशर हैं उन लोगों को एक चीज ये बता दो कि वहां पे एक्चुअली में पहले काम क्या रहेगा, वहां पे आप लोगों को खाना सर्व करना रहेगा, खाना परोसना रहेगा, खाना देना रहेगा। किन लोगों को? सॉफ्टवेयर में काम करने वाले इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले कैंडिडेट्स और सॉफ्टवेयर में काम करने वाले आदमी लोगों को, लड़के लोगों को, या फिर वहां के इम्प्लॉइज को। बहुत बड़ी कंपनी है उनके थ्रू क्या रहता है कि बहुत बड़ा किचन का हब चलाया जाता है,
वो लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना जा लेके जाके वहां पे कैंटरिंग लगाते हैं, वहां पे अपना जो छोटा होटल लगाते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी कंपनी जो लंच के टाइम में दोपहर के टाइम में उनको खाना प्रोवाइड करती है, तो आपको वहां पे काम रहेगा, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा साफ सफाई के साथ काम रहता है, प्लस ड्रेस कोड रहता है उनका एक अलग ही, पर्सनली शूज रहता है, सॉक्स रहता है, ग्लव्स रहता है, हेड कैप रहता है, कहने का मतलब है कि प्राइवेट लिमिटेड काम रहता है इसमें, सैलरी भी उतनी अच्छी रहती है, टाइमिंग भी उसके हिसाब से अच्छा ही रहता है इसमें। काम का मैंने आपको जैसे बता दिया कि एक्चुअल में काम क्या रहेगा, ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जिनको एक्सपीरियंस है, जो सब जानते हैं, उन लोगों को पता है कि कैटरिंग में क्या काम रहता है, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, उन लोगों में जो है उन कंपनी में आपको खाना सर्व करना, खाना परोसना, कैटरिंग का काम। टाइमिंग आने वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटा। अब एक्चुअल में जो है कंपनी की तरफ से 4 से 5 घंटा ही बोला जाता है कि सर हम लोगों के पास 4-5 घंटा काम लड़का लोग करता है, लेकिन आप वो माइंड से दिमाग से निकाल दीजिए कि 4-5 घंटा ही काम करना रहेगा, आप इतना मान के चलिए हमारी कंपनी के थ्रू कि 8 घंटा काम रहेगा, एक 8 घंटा में लास्ट बता रहा हूं, वैसे 8 घंटा इस जॉब में आपको काम नहीं रहेगा, 6 से 7 घंटा काम रहेगा, तो 8 घंटा ड्यूटी होने वाली है इसमें। इसके अलावा हफ्ते का एक छुट्टी मिलेगा आपको जो संडे संडे रहता है, या फिर अगर मान लो कंपनी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देती है, 3 बंदे को सोमवार को दे दिया, 3 बंदे को जो है मंगलवार को दे दिया, या फिर और ज्यादा बंदे को बुधवार को दे दिया, तो वो एक रोटेशनल आती है, आज इसको दे दिया, कल राम को दे दिया, परसों मोहन को दे दिया, तो वैसे वैसे जो है आपकी मतलब हफ्ते की छुट्टी रहती है कुल मिला के मान के चलिए। तो आप हम मान के चलिए कि महीने का आपको 26 दिन ड्यूटी करना रहेगा इसमें, 26 डेज। टाइमिंग सिर्फ 6 से 7 घंटा ड्यूटी रहेगा। इसके अलावा इसमें ESI PF की फैसिलिटी रहेगी। ESI PF गाइस, में जब भी आपको हमारी कंपनी के थ्रू जॉब के रिलेटेड में बताता हूँ, तो वो समझ लीजिए जो आपकी एक्चुअल सैलरी रहती है, जो आपके इन हैंड में आने वाली सैलरी रहती है, वो सैलरी छोड़ के ESI PF में बताता हूँ, आपकी जो सैलरी रहती है ना उसको छोड़ के, ना कि उस सैलरी में इंक्लूड रहता है, तो इसमें आपको ESI PF की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। अब मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें होने वाली है आपकी 12,000 रुपया मिनिमम, मिनिमम या स्टार्टिंग मान के चलिए, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12,000 रुपये रहने वाली है इस जॉब में। 6 से 7 घंटा ड्यूटी, 26 दिन ड्यूटी, सैलरी 12,000 रुपये, प्लस खाना भी फ्री, प्लस रहना भी फ्री, रहने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, खाने का भी कोई भी चार्ज या कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है आप लोगों से। तो एक मान के चलिए कि तीनों टाइम खाना देना है, तीनों टाइम के साथ में वहीं पे रहना देना है, सब कुछ देने के बाद में आपको सैलरी 12,000 दिया जाएगा। इसमें अगर आप ये सोच के चलिए, या फिर सीटी सी सैलरी मान के चलिए, तो खाना के साथ, सॉरी, सैलरी के साथ में खाना मिला दीजिए, 3-4 हज़ार रुपये का आदमी खाना खा लेता है, सैलरी हो जाती है आपकी 12,000-16,000 रुपये। रूम का एक पकड़ के चलिए कि रूम कंपनी इसमें प्रोवाइड करती है, एक रूम में 2-3 बंदे फिक्स रहते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं कि सीट वाला घर या फिर मतलब कचरा जैसा नहीं है, क्योंकि कैटरिंग के काम में जो है आपको साफ सुथरा रखना रहता, तो आपको फैसिलिटी भी उसके हिसाब से मिलती है। तो रूम का भी मान के चलिए एक मिनिमम एक आदमी 1,000 नहीं तो 1,500 रुपये, तो 2,000 रुपये तो मिनिमम देता ही देता है रेंट। पीजी में आप जहाँ दूसरी कंपनी देती है ना, वहां आपका देख लीजिए 3,000-4,000 रुपये लगता है, तो 2,000 रुपये इसमें मान के चलिए आपका कि रूम का, तो 16 दो 18 हो गया, प्लस पीएफ फैसिलिटी 12,000 की सैलरी के हिसाब से 1,200 रुपये, तो आप मान के चलिए 19,000 रुपये। अब सीटीसी सैलरी में बात करो तो इसमें 19,000 सैलरी रहती है, 19,000 रुपये सीटीसी, जो दूसरी कंपनी आपको बेवकूफ बना के, आपको पागल बना के, इतनी ज्यादा सैलरी बता के, आपको लोभ दे के, आपको प्रलोभन दे के, आपको लालच दे के बुला लेती है। और देना कितना रहता है, जितना मैं बताता हूं उतना ही देना रहता है, लेकिन हमारी कंपनी में आपको सिर्फ और सिर्फ वही सैलरी बता दी जाती है, वही सैलरी बताई जाती है जो आपके अकाउंट में आती है, आपको हाथ में दी जाती है, आपकी सैलरी रहती है आने वाली सैलरी। आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी का तो छोड़ दीजिए, वो तो जो कंपनी देती है वो तो अलग से रहता ही रहता है। तो इसमें मिनिमम 12 है और सिटी से सैलरी 18-19 हज़ार रुपये है।
18-19 हज़ार रुपये गाइस आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। मैं पहले ही क्लियर बताता हूँ, मैं आपको कोई भी धोखे में रखने वाला काम कभी भी नहीं करता हूँ। चाहे आप काम पे आइए या मत आइए, वो आप लोगों का मर्जी, हमारे यहाँ धोखे में किसी को नहीं बुलाया जाता है। ये ही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी कंपनी का। तो इसमें आपको 12,000 सैलरी रहेगी और 6 से 7 घंटे ड्यूटी रहेगी, 26 दिन ड्यूटी रहेगी, हफ्ते का एक छुट्टी रहेगा, कैटरिंग में काम रहेगा सॉफ्टवेयर कंपनी में। लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज इसमें आप कोई से भी लैंग्वेज से क्यों ना हो आप आ सकते हैं, लैंग्वेज इसमें मैटर नहीं करता है। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 18 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आप चाहे 30 इयर्स के हैं या 35 इयर्स के हैं तो भी चलेगा, लेकिन अबो 35 36 से लगाकर 40 साल तक इस जॉब के लिए अप्लाई न करें। मेरे पास उन लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स है जो मैं शायद 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। उसमें भी इसमें 18 से 35 साल लास्ट जो है जो अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, न कि फीमेल कैंडिडेट्स, ओनली सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब है। इसके अलावा अगर कोई बंदा चाहता है कि सर मैं किचन स्टाफ का काम करना चाहता हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है खाना बनाने में, कुक में, या फिर जूस बनाने में, या फिर कचौरी समोसा चाट बनाने में, तो उन लोगों का मोस्ट वेलकम है। उनकी सैलरी अलग रहती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, कैटरिंग में नहीं, होके बड़े बड़े होटलों में जिनकी सैलरी जूस बनाने वाले की मान के चलो तो मैं आपको 17 से लगाकर 18 हज़ार मिनिमम इन हैंड बता रहा हूँ, जो आपको देने वाली सैलरी है, ना कि खाना पीना मिला के बता रहा हूँ, इन हैंड जूसर की, जो जूस बना लेता है ना काउंटर पे खड़ा रह के, उन लोगों की सैलरी है। कुक की बात करूँ तो खाने बनाने वाले कुक की सैलरी जो 20,000 से लगाकर 25,000 रहती है। इसके अलावा वेटर की बात करूँ तो 12,000 से लगाकर 13-14 हज़ार रहती है सैलरी। तो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग होटल स्टाफ में, किचन स्टाफ में, हम लोगों के पास कुक में बहुत सारी अभी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी है और चल रही है। इसके अलावा इन जो होटल्स हुआ, कैटरिंग हुआ, इन सब में आपको खाना भी फ्री मिलता है, रूम भी फ्री मिलता है। हम पहले ही ये क्लियर कर देते हैं कि दूसरी कंपनी की तरह, दूसरी एजेंसी की तरह हम आपको धोखे में नहीं रखते हैं। आपसे खाने का पैसा, आपसे रूम का पैसा, आपका पीजी का पैसा, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है। आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जो प्रोवाइड करती है हमारी कंपनी, जो आज तक कोई भी कंपनी नहीं कर पाई या नहीं करती है। सिर्फ आपको इतना बोलती है कि हम लोग इतने तो बंदे को काम दिलवाते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर लेके आते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए फ्री जॉब लेके आते हैं, लेकिन वो लोग एंड में जाके, वीडियो के अंत में जाके आप लोगों से कुछ ना कुछ चार्ज मांग ही लेते हैं। ज्वाइनिंग फॉर्म का ले लीजिए, ज्वाइनिंग चार्ज का ले लीजिए, रूम के नाम पे ले लीजिए, पीजी के नाम पे ले लीजिए, कुछ ना कुछ एक मान के चलिए आपसे कुछ ना कुछ पैसा वसूल करते ही है। लेकिन हमारे यहाँ वर्क एट आवर कंपनी में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो बंदे, जो लड़के ऑलरेडी कर रहे हैं, जो आके गए हैं, उन सबको पता रहता है कि जीआर सर के पास में वर्क एट आवर में जो काम कैसा रहता है, उनकी सैलरी कैसे रहती है, उनका टाइमिंग कैसा रहता है, सब कुछ उन लोगों को पता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो है सिर्फ उन लोगों को ही पता रहता है, जो लड़के लोग नए आ रहे हैं ना, उन लोगों को पता रहता है कि हम लोगों से पैसा नहीं लिया जाता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब है ये। इसमें पहले आओ पहले पाओ वाली कहावत है। हम लोग कभी भी जो है एक काम, एक जॉब किसी बंदे के लिए एक पर्टिकुलर रिजर्व करके नहीं रखते हैं। कोई बंदा अगर बोल दे कि सर मैं 20 तारीख को आने वाला हूँ, मेरे लिए जॉब रखी है, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे भाई लोग बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो ऑलरेडी ट्रेन में चल रहे होते हैं, ऑलरेडी जो ये वीडियो देख के कॉल करके तुरंत ज्वाइनिंग होना चाहते हैं, तो इसमें यही रहता है कि आप पहले आओ पहले पाओ वाला कहावत, आप आज आएंगे तो आज आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमारे यहाँ इमीडिएट ज्वाइनिंग होता है, हमारे पास कभी भी रिजर्व करके रखने की कंडीशन नहीं रहती है। हम कभी भी ये नहीं बोल रहे कि ऑफिस आ जाओ, विजिट कर लो, आपको काम मिल जाएगा, आपके अकॉर्डिंग काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितनी जल्दी चाहे हमारी कंपनी फुलफिल करके देती है, अगले वाली कंपनी को हैंड ओवर करके देती है मैन पावर। तो उसमें क्या रहता है कि पहले आएगा जो बंदा उसको पहले जॉब मिलेगा। हाँ, अगर आप 10-15 दिन छोड़ के आते हैं तो अगेन आपको फोन करके पूछना रहेगा, सर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी काम चल रहा है या फिर कौन सी जॉब चल रही है। तो फ्रेंड्स,
ये पूरी वीडियो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, अपने फैमिली सर्कल में शेयर जरूर करें एक बार, और देखें कि क्या इफेक्ट होता है उनको। और जो अगर आप आना चाहते हैं काम के लिए, तो हो सकता है कि आपने फ्रेंड सर्कल में भी एक बार फोन करके पूछ ले कि भाई मैं वहाँ काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ फ्री जॉब है, ऐसी ऐसी सैलरी है, एक्स वाई जेड काम है, आना चाहते हो क्या, हम लोगों के साथ चल सकते हो क्या। अगर आपको एक्सप्लेन करने में या फिर उनको समझाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तुरंत हम लोगों को फ़ोन करें, बोले सर मेरा एक दोस्त है, हम लोगों के साथ आना चाहता है, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, जॉब का डिटेल्स बता दीजिए, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए रेडी रहती है एनी टाइम, दिन के टाइम में 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक। आप कभी भी फ़ोन करें, हम लोग आपका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रिस्पॉन्स देते हैं। प्लस कमेंट्स बॉक्स में भी हम लोग आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको रिस्पॉन्स के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका जवाब देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है। तो गाइस, हम लोग हाजिर होते हैं कुछ एक और अच्छी नई जॉब अपडेट्स और बहुत अच्छी हेल्पफुल जॉब के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।